हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं 2012 में डी मार्ट के पास 50 स्टोर्स थे। वही 10 साल बाद 2022 में यह बढ़कर 302 स्टोर के साथ 3.9 बिलियन डॉलर की कंपनी बन गई और इंडियन सुपरमार्केट में राज कर रही है। तो चलिए जानते इस वीडियो में से डी मार्ट अपनी कंपटीशन को डिस्ट्रॉय कर रही है। नंबर 1, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। डी मार्ट के फाउंडर सर राधा कृष्ण दवानी डी मार्ट के फाउंडर से पहले एक इन्वेस्टर थे, जिसके कारण वो जानते थे एक स्ट्रेटजी बिजनेस मॉडल कैसे बिल्ड करे और इन्वेस्टर में पॉजिटिव और हेल्दी सेंटिमेंट कैसे बिल्ड करे। इसलिए उन्होंने 1999 में डीमार्ट को ओपन करने से पहले वॉलमार्ट के बिजनेस मॉडल को अच्छे तरह से एनालाइज किया। नंबर 2, डीमार्ट के स्टोर की जमीन को किराए पे ना लेना। डीमार्ट के ज्यादातर स्टोर जिन जगह पर है उनमें से ज्यादातर जगहों की जमीन डीमार्ट खुद खरीद लेता है और कुछ जगहों पर जमीन को 30 सालों के लिए लीज पर लिया जाता है, जिससे डीमार्ट को इतनी बड़ी जगह के लिए कोई भी रेंट देना नहीं पड़ता है और जिससे उनकी कैश फ्लो बनी रहती है। नंबर 3, ओवर लाइटिंग और ज्यादा सजावट ना करना। डीमार्ट अपनी कोई भी स्टोर शॉपिंग मॉल में ओपन नहीं करता है और ना ही जरूरत से ज्यादा अपनी स्टोर को लाइटिंग और सजावट करता है, जिससे उनकी मैन पावर कम लगती है, जिस कारण और भी उनका खर्चा कम हो जाता है। इसलिए लोग डीमार्ट को शॉपिंग एक्सपीरियंस के लिए नहीं जानते हैं, ह्यूज डिस्काउंट के लिए जानते हैं। नंबर 4, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कुछ स्पेशल दिनों के डिस्काउंट के बदले पूरे साल डिस्काउंट देना। बिग बाजार, रिलायंस फ्रेश जैसे सुपरमार्केट कुछ स्पेशल डे पे ही बस डिस्काउंट देते हैं, पर डीमार्ट पूरे साल डिस्काउंट देते हैं, जो डीमार्ट को बाकी सुपरमार्केट से बहुत ज्यादा अलग बनाती है। Thanks for watching. For more videos, subscribe this channel.